हेलो गाइस, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी पे आपका स्वागत है। अब फाइनल, बिल्कुल कल के लिए तैयार हो चुके होंगे आप। एंड यू मस्ट बी मोटिवेटेड एनफ, यू मस्ट बी इंथुजियास्टिक एनफ, एंड यू मस्ट बी, आई सपोज यू मस्ट बी वेरी पॉजिटिव। आई नो दैट एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक हड़बड़ाहट होती है। आई नो दैट यू मस्ट बी इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट वेदर यू विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट। आप वो बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल दे पाओगे खुद का या नहीं दे पाओगे, तो वो सारी कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही होंगी। बट लेट मी से टेल दिस टू यू दैट दिस टू शैल पास। ये भी एक अच्छे फेज की तरह या बुरे फेज की तरह, जैसे भी, ये पास हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू पास। तो आप में से जो लोग बहुत अननेसेसरली प्रेशर ले रहे हो खुद पे, वो बिल्कुल बिल्कुल खुद को उस प्रेशर से, स्ट्रेस से, निगेटिविटी से दूर कर लो और खुद को खुद से अलग करके और ऑब्जर्व करो द व्हाट द हेल आर यू डूइंग। दिस गेट इज नॉट गोइंग टू बी योर लाइफ। ऑफ कोर्स दिस कैन बी अ लाइफ टर्निंग मोमेंट, दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली। अगर आप पॉजिटिवली लेने वाले हो तो मैं हूं मारुत तिवारी, मैंने मास्टर्स किया IIT खड़गपुर से, मैंने 6 साल से ज्यादा, 200 से ज्यादा बैचेस को मैं सिखा चुका हूँ गेट और ईएससी के लिए। मैंने मल्टीपल टाइम्स गेट क्रैक किया है और लेट मी टेल यू गाइस दैट मैंने बहुत सारी तैयारी के साथ गेट नहीं क्रैक किया, मैंने सिर्फ 2 घंटे पर डे पढ़ाई करके गेट क्रैक किया है 4 बार, वो भी विथ 3 टाइम्स अंडर 1000 रैंक। और इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन में बिलीव मी आप 8 से 10 मार्क्स ऐड कर लोगे अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने वाले हो तो। ऑलराइट, ये मैंने अपने साथ भी देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है कि ये एक कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट है, एक फिनोमिनन है दैट अगर आपका 60 मार्क्स का प्रिपरेशन है, अगर आपकी 60 मार्क्स की तैयारी है और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, सुपर पॉजिटिव रहते हो, होपिंग फॉर समथिंग समथिंग रियली अमेजिंग, ऑल राइट, तो वो 60-70 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आपकी 60 मार्क्स की प्रिपरेशन है और आप अननेसेसरली खुद को स्ट्रेस में रखते हो, प्रेशर में रखते हो, आपको लगता है कि अरे बाप रे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा क्या होगा, वेदर आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन आर नॉट, एंड लॉट ऑफ वरिंग थाट्स, तो वो अगर होगा तो आपका 60 मार्क्स 50 में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगा। और इसलिए आज बाकी सारे दिनों की तरह आज मैं कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूं आपको, आज मैं कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करवाने वाला हूं, आज मैं कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फंडा नहीं बताने वाला हूं, आज मैं सिर्फ आपसे ये कहने वाला हूं दैट गो एंड प्ले प्ले योर गेम। आई नो दैट यू आर गोइंग टू कोरिलेट इट विद चक दे इंडिया इमीडिएटली, बट लेट इट बी, यही है सर फंडा दैट अपना गेम खेलो, जाओ मजे करो और 3 घंटे फुल्ली खुद को इंडल्ज करके रखो। सो मेरी तरफ से आपको हार्ट फिल्ड विशेस हैं। मैं चाहता हूं कि आप कल आपकी लाइफ का बेस्ट डे हो, कल आपकी लाइफ का 100% पोटेंशियल जो आपने है वो सारा का सारा आप यूज कर सको। बिकॉज बेस्ट, आई मीन द मेन थिंग इज दिस दैट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इस पूरे साल, आपने कितना पढ़ा है या नहीं, ये सब कुछ नहीं मैटर करने वाला है। मैटर ये करने वाला है कि आप उसे यूज कर पाओगे या नहीं, मैटर ये करने वाला है कि वो पोटेंशियल आप निकाल के वहां पर रख पाओगे या नहीं। आपने नेट प्रैक्टिस, आपने रणजी, आपने इंडिया ए और अंडर 19 में क्या परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया, कैसे आप यहां तक पहुंचे हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आज आपको एक दिन के लिए, आज आपको एक दिन के लिए वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला है, आप आज वो पोटेंशियल दिखा पाते हो नहीं। और वो तभी आप दिखा पाओगे जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहोगे सर। तो मेरी तरफ से और लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी टीम की तरफ से हार्ट फेल्ट विशेस हैं आपके लिए सर, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करो, आप रैंकर बनो, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन करो, आपकी सोसाइटी का नाम रोशन करो और आप खुद की नजर में भी ऊपर उठ जाओ। Get yourself uplifted in your own eyes. Thank you so very much, guys, for staying connected, and thank you so very much for your continuous and constant faith in me.
स्टिल मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये समझना होगा कि कल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया, मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, आपका गेम है सर। अब जो भी आपने सीख लिया है खेलो और दिल लगा के खेलो, एंजॉय करके खेलो। बाकी जिनको समझनी हो स्ट्रेटजी, वो रात में 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर आ सकते हैं। मैंने एक स्पेशल सेशन शेड्यूल किया है रात के 10 बजे, सिर्फ ये बताने के लिए कि लास्ट मोमेंट पर आपको यू नो 3 घंटे में खुद को कैसे कंडक्ट करना है, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ। मैंने स्पेशल सेशन का टाइटल रखा है बेस्ट वे टू अटेम्प्ट गेट। तो रात के 10 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, बेस्ट वे टू अटेम्प्ट गेट ये सीखने के लिए। अभी के लिए मैं फिर से आपको कहता हूं ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अनअकैडमी, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ लेट्स क्रैक एंड गेट एंड ईएससी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, लेट्स क्रैक इट।